जल्दी से सुना, तूने क्या टेप किया? चल जल्दी सुना, आज भैया को सोनिया की काली करतूतों का पता चलेगा। मुझे तो कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन आज तुम्हारी गाली मुझे जरूर सुनने को मिलेगा। क्यों? पता नहीं टेप में से तार कैसे निकल गई। मरवा दिया तूने फिर। मैं क्या करूं, चढ़ गई थी। सारा काम खराब कर दिया। अब भैया को सोनिया की हरकतों का कैसे पता चलेगा? आप पैक कर दो। अभी कितना काम करते हो? नहीं शंकर, मेरे उजड़े हुए संसार को बचाने के लिए अगर सारी उम्र भी इतने लोगों को खाना बना के खिलाना पड़े तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी। मेरी भाभी जैसा महान सारी दुनिया में नहीं है। भैया जल्दी करो ना, तो लो जल्दी से। हेलो लक्ष्मीचंद, मैं टोनी बोल रहा हूँ। तेजा की पहली बीवी सीता जिंदा क्या? और वो तुम्हारे यहाँ जो चाचा भतीजा काम कर रहे हैं, एक तेजा का छोटा भाई शंकर है और दूसरा क्या? नहीं, इस वक्त वो बाजार में भाजी सब्जी खरीद रहे हैं। सुनो, मैं किसी न किसी तरह किरण को कॉन्टेक्ट करता हूँ। ब्रदर इन लॉ, जैसा मैं कहूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करना, समझ गए? हो रहा है। अरे ओ सुंदर, सारी दुकान खरीदनी है, घर नहीं चलना क्या? अरे चाचा, कुछ ही दिनों की तो बात है, खाने दो, बिल बुलाए मेहमानों को। सरकारी मेहमान बनने के बाद ही तो खाएंगे। अच्छा मैं चलती हूँ, इतने लोगों के लिए खाना बनाने में वक्त लगता है ना। हाँ तुम चलो, हम लोग आते हैं। ए भैया, कोई नारंगी सारंगी है क्या? क्यों भैया, कोई भट्टी वट्टी खोल ली है क्या? भट्टी भट्टी नहीं भैया, वो मालकिन लोग कुछ जुलाब का दवाई बनाए। शंकर सुंदर, भैया देखो इस ड्रामेबाजी की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम दोनों को अच्छी तरह से जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम क्या चाहते हो, और वो सब कुछ भी जानता हूँ जो तुम दोनों नहीं जानते। अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मदद? अरे भैया, ये सब कुछ जानने के लिए तो कीमत अदा करनी पड़ेगी। क्या कीमत? ज्यादा नहीं, सिर्फ 50,000। लेकिन पूछे पर हमारे पास तो 50 फूटी कौड़ी तक नहीं है। अरे आज ना सही बरखुदार, मगर जब कल ये साबित हो जाएगा कि तुम तेजा साहब के असली बेटे हो तब दे देना, मुझे तुम पर भरोसा है। कमाल है, तुम लोग सीता देवी को बेगुनाह साबित करने के लिए इतना कुछ नहीं कर सकते। अरे माँ के लिए, भाभी के लिए, शेम फाई। सुनिए, हमें मंजूर है। That's like a good boy. अब तुम दोनों को मुझे लिख कर देना पड़ेगा। ठीक है, हम लिख कर देंगे। ये हुई ना बात, अब हम तेजा साहब के सामने चलकर सीता देवी पर लगे हुए सारे इल्जाम मिटा देंगे। आपकी खुशी के लिए सीता ने टोनी और सोनिया के बच्चे को अपना लिया और उसी बात का सहारा लेकर टोनी सीता को ब्लैकमेल करता रहा। आप जिसे अपना बेटा समझते रहे हैं वो आपका नहीं, मेरा और सोनिया का। क्या रखते हो तुम, जानते हो तुम लोग क्या बोल रहे हो? आपका बेटा आपके सामने है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? आपके घर से निकलने के बाद सीता भाभी ने आपके बेटे सुंदर को जन्म दिया। सबूत के लिए आप जनरल हॉस्पिटल की फाइल देख सकते हैं। तेजा साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं भी आज तक इस साजिश में शामिल रहा। दरअसल सोनिया और आपके मैनेजर ने आपकी सारी दौलत हड़प करने के लिए साजिश की थी। गुड गुड, वेरी गुड। कहानी बहुत दिलचस्प थी, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब ये ड्रामा खत्म हो चुका है। शायद तुम्हें इस बात का अफसोस है लक्ष्मीदास कि इस ड्रामे के साथ साथ तुम भी खत्म हो चुके हो। अरे नहीं नहीं बरखुरदार, तुम तो बेकार में लाल पीले हो रहे हो। कुछ भी कहने या करने से पहले बेहतर होगा कि तुम इस खत को अच्छी तरह पढ़ लो। बेवकूफ, सीता इस वक्त हमारे कब्जे में है। अगर तुम दोनों में से किसी ने जुबान खोली तो सीता की मौत के तुम लोग जिम्मेदार होगे। आप बतलाओ, इस ड्रामे के साथ साथ कौन खत्म हो गया, मैं या तुम? क्या लिखा है कागज पे? क्या लिखा है कागज में? जीजा जी, ये आदमी पहले भी आपकी जिंदगी में जहर घोल चुका है और आज इन दोनों मकारों के कहने पर झूठ झूठ और झूठ का परंदा लेकर आ गया आपके सामने, और इस काम की कीमत है 50,000 रुपया। ये देखिए,
ये है टोनी को 50,000 रुपए देने का वादा और इसके नीचे साइन है शंकर और सुंदर के। क्या सच है? बोलो। तेजा साहब मुझे माफ कर दीजिए, ये दोनों मुझे 50,000 रुपए का लालच देकर लाए थे कि जैसा ये कहे वैसा मैं आपसे कह दूं। तेजा साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी देवी जैसी पत्नी सोनिया जी के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा, प्लीज कह दीजिए आपने मुझे माफ कर दिया। तेजा साहब मैं बेगुनाह हूँ, तेजा साहब फॉर गॉड सेक मुझे माफ कर दीजिए, इन दोनों ने अपने लालच की खातिर मुझसे ये सब कुछ करवाया। तेजा साहब मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज तेजा साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं बेगुनाह हूँ। जी जी, ये तो अच्छा हुआ मैं जल्दी असलियत का पता चल गया, नहीं तो आपका ये नौकर आपका नकली बेटा बनकर आपकी सारी जायदाद का मालिक बन जाता। और ये दूसरा बरसों से आपसे बदला लेने की तड़प रहा है, आपने पहचाना इसे? ये आपका छोटा भाई शंकर। शंकर, तू शंकर है? तू शंकर है? शंकर, 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 शंकर। अच्छा हुआ तू घर वापस आ गया, मैं बरसों तुझे ढूंढता रहा, तुझे पाने के लिए मैंने क्या क्या जतन नहीं किए, लेकिन ये क्या है? ये 50,000 रुपए? बेटा ये सब कुछ तो तेरा है और तू चाहता तो मुझसे पैसे मांग लेता। सच कहूं भाई, तेरी इस हरकत पे मुझे बहुत शर्म आ रही है। आपको तो आज शर्म आ रही है भाई साहब, लेकिन मैं तो अपने भाई पर उस दिन से शर्मिंदा हूँ जिस दिन उसने अपनी सीता जैसी पत्नी को घर से निकाला था। तू अभी तक उसी गलतफहमी में है कि तेरी भाभी देवी थी? वो देवी नहीं थी शंकर, वो एक बेवफा बदचलन। खबरदार जो ऐसे शब्द मेरी भाभी के लिए मुंह से निकाले। अपनी देवी जैसी पत्नी को घर से निकाल कर एक बाजारी औरत को घर में लाकर आपने जी इसने मेरी भोली भाली बहन पर कीचड़ उछाला है। आप बीच में कुछ ना बोलेगा प्लीज, मैं इसकी खाल खिंचवा लूंगा। जान लंबो। नहीं भतीजे, आज नहीं। हाँ, रास्ता भूल गए क्या? भैया की जेब में डाल दो। संभाल के भाई, बस करो, बहुत हो गया लक्ष्मी दास। अच्छा जाने दो इन्हें। हंसी राम और खुशी राम को हंसी खुशी के साथ पुलिस के हवाले कर दो। माफ कीजिएगा वकील साहब, आज मैं कुछ अपसेट हूँ, वसीयत नामे पे कुछ दिनों के बाद बैठे, कुछ हर्ष तो नहीं? कोई बात नहीं तेजा साहब, मैं फिर आ जाऊंगा। अच्छी बात है, मैं आपको एक दो रोज में फोन करता हूँ। ओके। बेवकूफ, सीता इस वक्त हमारे कब्जे में है, अगर तुम दोनों में से किसी ने जुबान खोली तो सीता की मौत के तुम लोग जिम्मेदार होगे। सीता जिंदा है, कहिए कैसे आना हुआ? तेजा साहब ने बुलाया था अपने लड़के के नाम वसीयत करने के लिए। गाड़ा गाड़ा, वेरी गाड़ा। ओके जी। जिंजा जी, मैंने सुना आपने अपनी वसीयत अपने बेटे के नाम कर दी। हाँ, मैंने अपनी वसीयत अपने बेटे सुंदर के नाम कर दी है। सुंदर के नाम? हाँ, और ये भी मैंने पढ़ लिया है। ये आपके पास कैसे आया? क्या ये जानना जरूरी है? तेजा साहब, अगर आप पुलिस को फोन कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, क्योंकि इस गलती का वही अंजाम हो सकता है जो शंकर और सुंदर का आपके सामने अपनी जुबान खोलने पर होता, यानी आपकी पत्नी सीता देवी की मौत। कमीने जलील, अगर सीता पे कोई आंच आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मेरी जान तो बाद में जाएगी, लेकिन मेरे एक इशारे पर सीता देवी की जान जरूर जा सकती है। तुम चाहते क्या हो? भैया चाहते हैं कि आप अपनी जदाद मेरे बेटे किरण, मेरे हस्बैंड नंबर वन यानी टोनी, इनके और मेरे नाम कर दें। शंकर ने ठीक कहा था कि
कि तुम एक बाजारी औरत से भी। जी जा जी, आप इस तरफ जितनी देर वसीयत हमारे नाम करने पे लगा रहे हैं, उस तरफ उतनी ही मौत सीता देवी के नजदीक पहुंचती चली जा रही है। आप अपने वकील को बुलवाइए और वसीयत बदल दीजिए। प्लीज हट जा। लेकिन मैं कैसे जानूं कि सीता जहां भी है ठीक है? चलकर अपनी आंखों से देख लीजिए। एक्सक्यूज मी जाजी, सोनिया तुम ये खत लेकर पुलिस स्टेशन में चले जाओ। पुलिस स्टेशन? हाँ, और एग्जैक्टली आधे घंटे के बाद पुलिस। एक्सक्यूज मी जाजी, आई आई।